अच्छा, हमारे साथ स्टूडियो में आज पहले शहजाद पुनावाला है हमारे साथ, पंकज शर्मा जी हमारे साथ, स्टूडियो में अनंत विजय जी हैं। अनंत विजय जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मुमताज़ आलम रिजवी जी हैं। नमस्कार मुमताज़ आलम रिजवी जी। सैयद जवाद जी हैं, बहुत ही अच्छे जो कहते हैं एंटी बीजेपी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, ऐसे आपको देखा है टीवी पर, पहली बार मिल रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे बड़े भाई, गुस्सा में एक परसों से, अब क्या करें रत्नाकर जी, अब हार रहे तो हम क्या करें, रत्नाकर जी आप शांत हो जाइए, जो भी है उसको एक तरह से ना एक एक्सेप्ट कर लीजिए कि है ऐसा है, हुआ जो हुआ इसको मान लीजिए। रत्नाकर जी, मैं आपको एक शेर के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट कर देता हूं। जी बोलिए। फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, ये जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। वैसे ना मैं घुसा आपके यहां तो मुझे लगा कि अमित शाह जी बैठे हैं, फिर आपकी आवाज सुन के फिर मुझे याद आया नहीं आप प्रभावित। पुरानी बैड जोक, अरे राहुल बाबा, आई वाज शॉक्ड कि आज आपने किसको बुला लिया यहां। अर्नब, मैं भी एक शेर अदा कर सकता हूं? हां, शहजाद जी बोलिए। नहीं, आप शहजाद जी बोलिए, शहजाद जी आप बिल्कुल बोलिए। हाँ अर्नब जी, मेरी तरफ से भी शेर रखिए, क्योंकि शेर का उधार नहीं होना चाहिए। ता उम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना और मीडिया को गाली देती रही। तो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति और फितरत है, और उनके जो सपोर्ट सिस्टम है उनकी भी यही फितरत है। वो बोलेंगे देश हार गया, ईवीएम हार गया, ईसी हार गया, हिंदुइज्म हो गया, हिंदुत्व हो गया, सब कुछ हो गया, परंतु अपनी हार नहीं स्वीकारेंगे, डेटा को गाली देंगे, बेटा को बचाना है। शहजाद भाई देखिए, हिंदुइज्म हो गया, हिंदू हो गया, वो तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तो चीख चीख मैंने आपके आपका नाम ही नहीं लिया, मिस्टर त्रिपाठी, मैंने आपका नाम नहीं लिया। पिछली बार जो आपने टिप्पणी मेरे पिताजी के ऊपर की है, उसके बाद मैं तो आपको डायरेक्टली एड्रेस नहीं करना चाहता। अर्नब जी, यदि आप डिबेट चलाना चाहते हैं तो चलाइए। नहीं, एक मिनट, क्या आपने मेरे पिताजी के विषय में जो टिप्पणियां की है उसके बाद मैं आपको एड्रेस नहीं करूंगा। आप प्लीज चलाइए, आप है वहाँ पर, आप सम्मान अपना सम्मान रखिए। शहजाद जी देखिए, मैं जो भी हुआ है उसके बारे में मैं नहीं जानता, मगर मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी आपने की हो तो उस पर आप माफी मांगे। आगे किस बात की माफी मांगू, ये व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे लगता है नहीं। पेडिग्री बता रहा हूं तो उसमें कौन सी दिक्कत है? पेडिग्री क्या होती है? पेडिग्री क्या होती है? आप देखिए, रविशंकर जी, रविशंकर प्रसाद जी भी जुड़ गए। एक मिनट, शहजाद जी, पेडिग्री ये है कि मैंने, शहजाद जी, मेरी पेडिग्री ये है कि मेरा बाप दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। नहीं तो कौन? नहीं, हां बोलिए ना, बोलिए। गर्व है कि मेरी पेडिग्री ये है कि मेरा बाप दादा पॉलिटिक्स में नहीं था। अरे शहजाद जी, मेरे बाप कौन से पॉलिटिक्स में थे, वो तो मुझे पॉलिटिक्स में। हमारी पेडिग्री पे सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी पेडिग्री नेहरू जी की पेडिग्री, इंदिरा जी की पेडिग्री, हमारी कोई पेडिग्री नहीं। हम चाय वाले की पेडिग्री से, हम रिक्शा वाले की पेडिग्री से, इसलिए हमें गाली मिलती है। अर्नब, आपने भी तो बड़े, भी तो पिताजी कोई बड़े मीडिया बैरन नहीं थे, आपने भी अपने आप से शुरू किया। आपके और मेरी पेडिग्री पे सवाल उठाएंगे ये आप। देखिए देखिए, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट, रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे बड़े भाई, बहुत दिनों से इनको जानता हूं, मैं इसको रोक के नहीं रखूंगा इनको। रविशंकर जी नमस्कार, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। रविशंकर जी, मेरी आवाज पहचानना बंद हो गया क्या? आप भूल गया हमें? रविशंकर जी, कभी कभी हिंदी में भी करता हूं प्रोग्राम जी। अर्नब जी, आपकी आवाज कैसे भूल सकता हूं, वर्षों से इस आवाज से प्रभावित होता रहा हूं। मेरी आवाज कुछ मध्यम है, क्योंकि तो 2 महीने 2 दिन के लगातार चुनाव प्रचार के बाद थोड़ा गल में खराश। नहीं, ठीक है, आप प्रभावित है या पीड़ित है मैं नहीं जानता, मगर रविशंकर जी ये बताइए, राहुल बाबा ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि मैं एग्जिट पोल नहीं मानता, ये मोदी पोल है, मोदी फैंटेसी पोल है, मोदी फैंटेसी पोल उन्होंने कहा। देखिए, हताशा में क्या क्या वो बोलते हैं, जब एग्जिट पोल उनके पक्ष में है तो एग्जिट पोल ठीक है, जब ईवीएम से वो हिमाचल कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब ईवीएम से हारते हैं तो ईवीएम खराब है। तो जब आपने भी तो कभी कहा था कि कर्नाटक में उनकी अच्छी स्थिति है, अच्छी फाइट है, कई एग्जिट पोल में आया था, तो ईवीएम ठीक है, एग्जिट पोल ठीक है। देखिए, हताशा की राजनीति में राहुल गांधी कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो उनकी सोच को या उनकी दुर्भाग्यपूर्ण सोच को बताता है। आजकल अपने प्रेस में ये बात कहते हैं, ये बीजेपी सवाल है। अगर ऐसी बात हम लोग भी मीडिया में प्रेस करते हैं, कभी बोलें, तो आपका क्या रिएक्शन होगा?
ये बीजेपी वाले हैं। मतलब इस तरह से आप और आप कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। मैं इस सोच के खिलाफ हूं और उस सोच का कारण यही है कि मुझे हिंदुस्तान पर राज करने का अधिकार है, इंटाइटलमेंट। तो चलिए वो बात चार को करेंगे, लेकिन ऐसा उनमें देखा है, उन्होंने स्वयं जनरल रमेश ने भी कहा है। इस बार के सारे एग्जिट पोल में एक समानता है, करीब करीब सभी एक ही संख्या पर पहुंच रहे हैं। और अन्ना, मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस परफॉर्मेंस, उनकी शुचिता, उनकी ईमानदारी, इसको जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आपका रिएक्शन नहीं होगा। और मैं आपके चैनल पर बताना चाहूँगा कि आपने अभी दुनिया देखी है, टोनी ब्लेयर और मार्गरेट थैचर दोनों इंग्लैंड में 3 बार जीते, लेकिन तीसरी बार उनकी संख्या कम हुई। और यहाँ आपका कॉमन प्रोजेक्शन है, जो एग्जिट नहीं एक्चुअल पोल है, कि तीसरी बार उनकी संख्या और बढ़ने वाली है। तो ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, इसको समझने की बजाय लोग गाली पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने दीजिए। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने सुशासन, सुचिता, ईमानदारी, डिलीवरी और भारत की सुरक्षा और सनातन का सम्मान, इसको लेकर जो देश के सामने एक नया आयाम जो ये बात कही आपने सनातन के सम्मान के बारे में, ये मेरे डिबेट का विषय है। मेरा दूसरा सवाल इसको लेकर है रविशंकर जी, क्या आपको लगता है तुष्टीकरण की रिस्पॉन्स हुई है हिंदू वोट एकत्रीकरण? तुष्टीकरण के रिस्पॉन्स में देखिए, क्या हिंदू वोट की एकत्रीकरण हुई है? ये तो आपके एनालिसिस का विषय है। नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, ये जो तमिलनाडु में बोला गया मुख्यमंत्री के पुत्र के द्वारा और राजा के द्वारा, उसको राहुल गांधी ने ओपनली कंडेम किया क्या? बिहार के एक पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण के बारे में क्या क्या कहा, उसका जवाब दिया गया क्या? एक समाजवादी पार्टी के सहयोगी ने बड़ी भद्दी बात कही, उसका जवाब दिया गया क्या? और इन्होंने कहा मुझे शक्ति से लड़ना है, उनके शब्द थे ना, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ जी। तो ये आप ना सनातन समझते हैं, ना हिंदुत्व समझते हैं, ना हिंदू चिंतन समझते हैं, आप चुनावी हिंदू बनते हैं। तो ठीक है, हम लोग भी बड़े विनम्रता से कहेंगे, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जी। सनातन एक आदि संस्कृति है, भारत की नींव है, भारत का आधार है, हमें गर्व है कि हम सनातन संस्कार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें है सर्वधर्म संभाव, यही तो सनातन है। एकम सदैव प्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद यही तो कहता है। अब उसको भी आप नहीं समझ करके उसके बारे में क्या क्या कहते हैं तो छोड़ दीजिए जी। तो हाँ, इस बार मैंने भी देखा लोगों में एक एंगर है, ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? नहीं, वो तो है। और देखिए, इस सोच का बस एक बात मुझे कहने दीजिए कि आपको निमंत्रण के बावजूद आप प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, और एक अंसारी साहब जेल में मरते हैं तो गाजीपुर जा करके आप मातम पुरसी करते हैं, यही वो सोच है जी। इस सोच को समझना पड़ेगा और देश इस सोच को लाइक नहीं करता।